आज का जो ब्लॉग है वो इस वॉर्डर ऑफ मेकओवर के साथ ब्लॉग कितना सुंदर लग रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी ब्लॉगर नेहा के और एक ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो मैं छत्तीसगढ़ से हूँ इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि हाँ मैं भी छत्तीसगढ़ का एक पार्ट हूँ। क्योंकि छत्तीसगढ़ को तो वैसे धान का कटोरा भी कहते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा धान होता है। और जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब ऐसा मुझे मालूम था, हम लोग पढ़े थे, और अभी क्या सिचुएशन है ये मैं नहीं बता सकती। वैसे चलो ठीक है, छत्तीसगढ़ी हूँ, बहुत प्राउड फील करती हूँ। और मुझे जब मैं कोलकाता जाती हूँ तो मुझे सब कोई वहाँ पे छत्तीसगढ़ी बंगाली बोलते हैं, क्योंकि मुझे बंगाली उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती है जितना वहाँ के लोग करते हैं। खैर कोई बात नहीं, आज का ब्लॉग आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ आज आपको देखने को मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आज का ब्लॉग एडिट करते हुए कि मैं कुछ अच्छा काम की हूँ आज। और यहाँ पे अभी हम जल्दी से सब्ज़ी कट कर रहे हैं ताकि जल्दी से लंच वो जो है तैयार हो जाए मेरा और मैं अपने उस काम में लग जाऊँ, बैठ जाऊँ जंग की ओर। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी आज का जो ब्लॉग है वो आधा काम मेरा हो गया है, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो क्या है ना, रेगुलर ब्लॉग डालने से खुद को भी इंटरेस्ट बढ़ता है कि हाँ चलो रेगुलर व्यूज़ भी आ रहे हैं और लोगों को पसंद भी आ रहा है। और एक कमेंट मेरे इसमें बहुत बार आ रहा है कि मतलब हर एक मैक्सिमम वीडियो में आ ही रहा है कि मैम आप प्लीज़ अपना इंट्रो दीजिए, मैम प्लीज़ अपना इंट्रो दीजिए। और एक कमेंट भी आया था PCOD के बारे में, तो एक दिन में Q&A इसका एक वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगी। उसमें मैं आपको सारा कुछ अपना इंट्रोडक्शन और PCOD का भी एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। कमेंट्स में ये सब सारा बात नहीं बताया जा सकता ना, तो उसका अलग से एक वीडियो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और आपसे एक्चुअली मैं शेयर करने वाली थी, ये मैंने मंगवाया था ये कल मैं बता रही थी कि ये जो अलमीरा है ये मम्मी के शादी के टाइम का अलमीरा है। तो इसका देख रहे हैं काफ़ी पेंट वगैरह सब निकल चुका है, तो इसको बनवाने देंगे, उससे इसको लेके जाएगा, लेके जाने के लिए इसका सामान पूरा निकालना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा इसका जो रहता वो होने वाला हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा। तो मैं सोची इसको क्यों ना रेनोवेट किया जाए खुद से घर में। एक और ये छोटा वाला जो अलमीरा है ये देखिए, ये माँ ही खींच खींच के पूरा इसको ऐसे निकाल दी है, वो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल में यहाँ चढ़ के बस यहाँ से सारा सामान वो निकाल निकाल के बस यूज़ करते रहती है। तो मैं ये कह रही थी इसका भी पेंट मैक्सिमम, ये तो फिर भी ठीक है लेकिन ये वाले का हालत बहुत, कंडीशन थोड़ा ख़राब है। तो मैं स्टिकर मंगवाया था मैंने दो, ये स्टिकर मैंने मंगवाया था। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज इसको थोड़ा सा रेनोवेट किया जाए। आज इसका काम जो है मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, सोच रही हूँ, देखती हूँ अगर अकेले हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हस्बैंड आएंगे तब उनके साथ ही करना पड़ेगा। तो वैसे ट्राई करने में क्या है देखती हूँ। तो ये दो वॉलपेपर मैंने मंगाया था, दो स्टिकर, तो दिख तो रहा है कि हाँ होगा, काफ़ी है, मुझे तो लगता है हो जाएगा। और ये वाला वार्डरोब इसकी तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो न्यू ही है, तो सोच रही थी क्यों ना इसको रेनोवेट किया जाए। तो फटाफट से मैं लंच बना लेती हूँ। तो आज बहुत ही सिंपल सा, आपने तो देखा ही, बहुत ही सिंपल सा आज लंच बनने वाला है क्योंकि कल तो चिकन खाए थे। तो आज सिर्फ लाल भाजी और पत्ता गोभी की सब्जी, दाल चावल यही बनाऊंगी। चटनी मैं सोच रही थी थोड़ी टमाटर की चटनी जो है वो मैं पीसने वाली हूँ, ग्राइंड करूँगी। और ये देखिए मेरे हेयर कल तक एकदम कर्ली लग रहे थे, मैं बोला जिस दिन मैं वॉश करती हूँ उस दिन एकदम कर्ल हो जाते हैं, देन उसके बाद फिर धीरे धीरे स्ट्रेट होने लगते हैं, मतलब जैसा है वैसा हो जाता है। और जो मैं हेयर मास्क यूज़ कर रही हूँ उससे बाल मेरे जो हेयर ना बहुत ही स्मूथ हो गए हैं और हेयर फॉल भी बहुत कम हो गया है। तो उसका रिव्यू मैं आपको ज़रूर दूंगी एक दिन, उसकी एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है गाइस, अगर आपको पसंद आएगा तो आप भी ट्राई कर सकते हो। तो इसका वीडियो एक दिन मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, बस एक दो दिन में वो वीडियो आने वाला है। तो फिर चलिए फिर फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे आज वार्डरोब जो है वो आज इसको मुझे ठीक करना ही है एनी हाउ, अगर अकेले पॉसिबल होगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर हस्बैंड आएगा तो फिर उन्हीं के साथ करूँगी। तो चलिए फिर मैं जल्दी से फिर फटाफट से खाना बना लेती हूँ। माही बिजी है मोबाइल में, यानी उसको मैं थोड़ा सा
पोएम वगैरह वाला वो वीडियो स्टार्ट कर दी हूँ उसको, वो वही देख रही है अपने मोबाइल पे अकेले। उसको भी बोर लगता है तो क्या करेगी, दिन भर टीवी तो नहीं देखती है, थोड़ा टाइम मोबाइल, थोड़ा टाइम टीवी, थोड़ा टाइम कलर कर लेती है खुद से, मतलब ऐसे ही चलते रहता है उसका। तो चलिए फिर फटाफट से काम करती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो आज मैं थोड़ा डिफरेंट लाल भाजी बनाने वाली हूँ। उसमें मैं ऐड करने वाली हूँ मूंगफली, जो मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और उसके अच्छे से कूट भी ली हूँ। तो इसको कूटी हूँ मैं खलबट्टे पे, इससे बहुत अच्छे से जो है वो ग्राइंड हो जाता है, और उसी को ऐड करके मैं लाल भाजी बनाऊँगी। गाइस ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। माही क्या हो गया, आज पड़ा है माही को डांट क्यों? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको डांट क्यों पड़ी, और ये आधे घंटे से ऐसी मुंह फुला के घूम रही है, बात नहीं कर रही, कभी सीढ़ी पे, कभी दादी के पीछे, कभी कहीं जाके बैठ रही है। फाइनली मेरे गोदी में आई है अभी। देखिए माही को मैं इतना अच्छे से क्लिप लगा दी हूँ, और माही देखी बाल कैसे कर ली है, क्या वही माही के दिखाऊं क्या की है माही। माही को मैं लिखने के लिए दी थी आज 11 से 20 तक, दो लाइन तो वो बहुत अच्छा लिखी है, उसके बाद देखिए फिर ये क्या कर दी रोची। बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये देखिए पूरे कॉपी में पेंसिल से पूरा गोद गाद कर दी। तो मैं इरेज की हूँ अभी, बाकी कंडीशन देख लीजिए कि कैसा था वो, कितना अच्छा लिखी थी माही 20 तक, एक लाइन बहुत अच्छे से लिखी थी, सेकेंड वाला लाइन 16 तक अच्छा लिखी थी। देन माही को क्या हो गया, पूरा गोद डाली कॉपी में। 11 भी तो माही बहुत अच्छा लिखी हो, लिखोगी अभी, लिखोगी ना? हाँ वेरी गुड गर्ल माही, लो अभी वैसा करोगी जैसे की थी। बात हो गया बहुत, खाना भी बन गया, अब चलिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो जो आज का जो मेन मेरा जो मोटिव है, जो कंटेंट है, अब उसकी टर्न आ गया है। तो मैं पहले जो है ये वार्डरोब यानी अलमीरा को अच्छे से क्लीन कर ली हूँ, सूखे कपड़े से ही पोछी हूँ, गीले कपड़े से नहीं पोछी हूँ, ताकि जो भी डस्ट है आराम से निकल जाए। उसके बाद फिर जो है स्टिकर को मैं नाप लूँगी पहले कि कितना लेना है, मैं नीचे से कट कर लूँगी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मैं इसको लगाई हूँ, और ये बहुत ही मुश्किल से लग रहा है। और हाँ, अगर आप कभी लगाए ऐसे स्टिकर तो एक बार में पूरा स्टिकर का जो नीचे वाला जो कागज़ होता है उसको मत निकालिएगा, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके निकालिएगा। मैं यहाँ पे यही गलती कर दी थी कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही निकाल दे रही थी, उसका जो स्टिकर है उसको नहीं निकालना है बहुत ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा करके निकालना है उसके बाद, नहीं तो फिर उसमें अगर एयर ले लेगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो रही थी। तो खैर मैं अलग से एक हैंकी रखी थी, तो उससे मैं उसको प्रेस कर करके उसको पूरा ऐसे बराबर कर रही थी, लेकिन बस गलती मेरी यहीं पे यही थी कि मैं कुछ ज़्यादा ही जो स्टिकर है वो ज़्यादा निकाल दे रही थी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके निकालना था। एक साइड में तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, जो क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, लेकिन जब मैं सेकेंड टाइम करी ना तो फिर बहुत आराम से हो गया वो। स्टिकर मुझे पड़ा था, एक रोल जो था वो 200 का पड़ा मुझे, क्योंकि जब डिस्काउंट चल रहा था तब मैंने लिया है, और बहुत अच्छा इसका जो है लेंथ बहुत अच्छा मिल गया मेरे को। एक्चुअली मैं ये थोड़ा छोटा पड़ गया इसलिए मैं सेकंड वाला ली, यूज़ कर ली, क्योंकि मेरी गलती थी जब मैं फ़र्स्ट जब इसको मैं स्टिक कर रही थी तो इसका जो अपर वाला पोर्शन है वो मेरे से थोड़ा सा फट गया था, इसके कारण मुझे बहुत सारा वेस्ट हो गया मेरा जो स्टिकर है। एक साइड का करते करते मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई, फिर भी थोड़ा सा एयर ले ही लिया है क्योंकि अकेले बन नहीं रहा है उस पर करते, और आधा तो थोड़ा सा मेरा वेस्ट हो गया क्योंकि वो इतना ज़्यादा टेढ़ा हो गया था कि उसको निकालते निकालते वो फट गया, और मुझे मालूम ही था कि ऐसा होने वाला है, मैंने एक रोल और मंगवा के रखा है इसलिए। तो कोई नहीं, छोटा वाला भी है मेरे पास वार्डरोब, उस पर मैं लगा दूंगी इसका जो इतना वाला पोर्शन,
इतना पोर्शन बचा है अभी, तो इतना तो मेरे छोटे वाले वार्डरोब में भी आ जाएगा। फिलहाल इधर वाला ट्राई करती हूँ, क्योंकि अकेले बन नहीं रहा है, स्टिकर भी है और हस्बैंड पता नहीं, वो हनी को कल ही लेके आएंगे, कल हनी का रिपोर्ट कार्ड आएगा। तो चलिए फिर देखते हैं इसको भी लगा के। मैंने तो फिंगर क्रॉस कर ली है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। स्टिकर लगने के बाद जो ये हैंडल वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम कैसे करके कट करें, क्योंकि ये स्टिकर थोड़ा पतला रहता है, तो अगर कट करेंगे तो कहीं ज़्यादा ना कट जाए, कहीं कहीं टेढ़ा ना हो जाए। तो बहुत मुश्किल से मैं ये जो जगह में है ना, इसको मैं ठीक कर पाई हूँ, तो भी थोड़ा सा बिगड़ गया है मेरे से, क्योंकि अकेले पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई पकड़ लेता या मैं पकड़ती कोई कट करता तो फिर आराम से हो जाता, नहीं तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हर चीज़। लेकिन सेकंड वाला साइड मेरा ज़्यादा अच्छे से लग गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वाले साइड, क्योंकि फ़र्स्ट वाले साइड में मुझे थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कैसे लगाना है, तो सेकंड वाले साइड मेरा बहुत जल्दी से लग गया, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था हैंडल वाले जगह पे। देखिए जो मेरा वार्डरोब है उसका तो पूरा लुक ही, मतलब कायाकल्प जो बोलते हैं, वो चेंज हो गया है। पहले कैसा उदास उदास सा दिख रहा था और फाइनली देखिए अब कितना सुंदर दिख रहा है। तो मुझे ना ये वाले हैंडल के जगह पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, खैर इसको मैं बार बार बाद में स्टिक कर लूँगी। और जो साइड साइड वाला कॉर्नर है उसको भी मैंने अच्छे से कट कर लिया है, मैंने ओपन करके भी देख लिया है, सारा कुछ मैंने सेट कर लिया है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। रुपये में अगर आपका वार्डरोब मेकओवर हो जाए तो आपको और क्या चाहिए बताइए। तो मुझे तो बहुत पसंद आया है, अभी टर्न है छोटे वाले जो वार्डरोब है उसको करने वाली हूँ, देखती हूँ कहाँ तक हो पाएगा। वैसे वो वाला हो जाएगा, इसमें इतना है रोल में कि सेकेंड छोटा वाला जो वार्डरोब है वो हो जाएगा। थोड़ा सा अकेले थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता ये सब चीज़, और मैं वेट नहीं करने वाली थी बिल्कुल भी, तो चलिए फिर सेकेंड वाला करते हैं। हमेशा से याद रखिएगा, अगर आप वॉलपेपर या स्टिकर आप स्टिक कर रहे हैं तो पहले आप उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा सूखे कपड़े से पोंछ के। और जो जो भी अगर अपने के अलमारी, जैसे मेरे अलमारी में ना बच्चे कुछ ना कुछ चिपका चिपका के रखे हैं स्टिकर, तो वो सब निकाल के ही आप स्टिकर या वॉलपेपर लगाइएगा अगर लगाना है, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो फिर बबल्स आ जाते हैं उसमें, तो बबल्स आ जाएंगे तो फिर वो फटने का भी डर रहता है। तो बहुत ही मैं बहुत केयरफुली इस चीज़ को कर रही हूँ, और देखिए इस तरफ वाला भी मेरा फटाफट से हो गया है, क्योंकि साथ ही साथ मैं थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ, और साथ ही साथ जो है अलग से हैंकी से मैं उसको प्रेस कर करके उसका जितना भी बबल्स है, जो भी एयर थोड़ा बहुत तो चला ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता है, और वैसे भी मैं अकेली स्टिक कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। और लास्ट में देखिए मैं चाकू से जो है वो कट कर रही हूँ, अब कैंची का यूज़ मत करिएगा ये साइड वाला कट करने में, क्योंकि साइड तो आपको कट करना ही है, क्योंकि आप अगर कट नहीं करेंगे तो वो ओपन ही नहीं होने वाला है उसके बाद अलमीरा जो है आपका। तो साइड में चारों तरफ जो चारों कॉर्नर है ना उसको आपको चाकू से या फिर ब्लेड से आप यूज़ करिएगा, बहुत केयरफुली करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही पतला होता है, अगर थोड़ा सा भी अगर आप गलती कर दिए तो फिर ये कुछ ज़्यादा ही फिर कट होने का डर रहता है। बहुत मेहनत के बाद जो है देख रहे हैं मेरा वार्डरोब कितना सुंदर लग रहा है, एक ये बड़ा वाला नहीं ये छोटा वाला, तो ये पहले इस वॉल पे था तो मैंने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया है, और अभी रूम की कंडीशन बहुत ही खराब है,
बहुत सुंदर लग रहा है ना, और फोटो क्लिक करने के लिए भी बहुत सही जगह रहेगी ये वॉलपेपर। मतलब पैसा वसूल, सिर्फ 200 रुपए में मेरा दो वॉर्डरोब जो है वो कलरफुल हो गया है। हाँ, ये साइड वाला जो बचा है इसको भी मैं कवर कर दूंगी। मैं एक और जो इसका रोल है वो मंगाने वाली हूँ, तो इधर साइड का भी हो जाएगा, दोनों साइड का हो जाएगा। एक्चुअली ये जो वॉर्डरोब है ना, ये मेरे से हिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है मेरे से, और अकेले तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो कल पापा आएंगे हनी को लेके, तो ये वार्डरोब को सोच रही हूँ थोड़ा सा जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लूँ मैं। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है अपना वार्डरोब देख के। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मतलब अब अगर हम लोग को फोटो सेशन करना होगा तो हम वार्डरोब के सामने करेंगे। ये वॉल पेपर बहुत सुंदर है। तो ये है इसका कुछ फाइनल लुक, जो बहुत मुझे तो बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और 200 रुपए में कोई घाटा भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अंदर में पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जो है वो जंग थोड़ा लगे रहता है, बट बाहर से तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मतलब पूरा जो बेडरूम है ना, उसका पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा। कैसा लगा है आप मुझे बताइएगा। सो गाइज, आज का जो ब्लॉग है वो इस वार्डरोब मेकओवर के साथ एंड कर रही हूँ। होप आपको मेरा वार्डरोब मेकओवर, यानी जो ये वॉलपेपर मैंने सेट किया है, ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर इतना सा भी पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। बहुत मेहनत लगा मुझे ये करने में अकेले। सो आज का ब्लॉग जो है यही एंड करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। एक्चुअली फैन भी ऑफ है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए दिन की शुरुआत के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, कल बाबू का हम लोग रिपोर्ट कार्ड लेने जाने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है कल उसका। तो अगर हो सके तो मैं आपसे शेयर करूंगी कल। तो चलिए फिर ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक और दिन की शुरुआत के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।